मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों एवं मुसीबतों का सामना करना पड़ता है एवं यही जीवन का सत्य है। जैसे कि एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं हो पाता। बहुत ही अच्छी लाइनें लिखी हुई हैं कि जीवन में चुनौतियाँ जो हैं एक जीवन का पार्ट होता है। जिस टाइप का पियानो होता है, पियानो से संगीत निकलता है, वाइट और ब्लैक का जो नॉब होता है, उसी टाइप का जीवन भी सुख और दुख से मिलकर बना हुआ है। सो कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, तो कभी खुशी, कभी गम, कभी ज़्यादा, कभी कम। इन्हीं शब्दों के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने धैर्य क्लासेस में। सो आज का हमारा है लेक्चर नंबर 16, सब्जेक्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, यूनिट नंबर 5 है ये। आज का जो टॉपिक है वो है इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। तो टॉपिक शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि लास्ट क्लासेस में हमने दिया था पल्स जनरेटर और फंक्शन जनरेटर के मॉडल नंबर और मैन्युफैक्चरर का आंसर देने के लिए। सो कमेंट बॉक्स में बहुत लोगों ने कमेंट किया है। जो हमारी कंपनियाँ हैं मेन अगर कंपनियों की बात करूँ फंक्शन जनरेटर, तो फंक्शन जनरेटर में कंपनी है टेस्का, रिगोल, सिग्मा है, एक्सेल है, एजिलेंट कंपनी है, यूलाइव कंपनी है और बहुत सारी लोकल कंपनियाँ, इंडियन कंपनियाँ हैं जो कि फंक्शन जनरेटर मैन्युफैक्चर करती हैं। और मॉडल नंबर भी आप देख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, बहुत लोगों ने कमेंट किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट। लेट्स सी द पल्स जनरेटर कंपनीज। द कंपनीज आर मैन्युफैक्चरर्स आर पोलो ग्राउंड, इंदौर की कंपनी है, एलिगेंट है, EMC पार्टनर है, एजिटेक है, बार्कले है, देन है एक आपका है टेक्नोविजन CNC और बहुत सारी लोकल कंपनियां हैं जो कोयम्बटूर, नोएडा, चेन्नई वगैरह से पल्स जनरेटर का मैन्युफैक्चर करती हैं। तो आप जो है पल्स जनरेटर और फंक्शन जनरेटर का जो भी टॉपिक रहेगा, टॉपिक के बाद आप क्या कर सकते हैं, उसका मैन्युफैक्चरर का नाम और मॉडल नंबर भी लिख सकते हैं, आपके कॉपी में मेंशन कर सकते हैं ताकि आपकी जानकारी इसमें बढ़ पाए। सो शुरू करते हैं आज के क्लास को। आज का क्लास है इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर के मेन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसके थ्योरी क्या होते हैं। सो द इंस्ट्रूमेंटल एम्पलीफायर इज अ डेडिकेटेड डिफरेंशियल एम्पलीफायर। डिफरेंशियल एम्पलीफायर देखे होगे आप लोग, दो एम्पलीफायर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल एम्पलीफायर, विथ एक्सट्रीमली हाई इनपुट इम्पिडेंस। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि इसका इनपुट इम्पिडेंस हाई होता है। द सेकेंड वन, इट्स गेन कैन बी प्रिसाइसली सेट बाई ए सिंगल एक्सटर्नल और इंटरनल रजिस्टर। इसके गेन को हम लोग सेट कर सकते हैं एक इंटरनल या फिर एक्सटर्नल रजिस्टर के हेल्प से। सो द हाई CMMR, द CMMR इज कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। होपफुली आप लोगों ने OPAMP वाले पोर्शन में इस चीज़ को पढ़ा होगा, होपफुली आप लोग को इसकी जानकारी होगी। हेल्प्स दिस एम्पलीफायर वेरी यूजफुल इन रिकवरिंग वेरी स्मॉल सिग्नल। इसका जो CMMR होता है वो हाई होता है। इसके गेन को हम लोग सेट कर सकते हैं रजिस्टर की वैल्यू को चेंज करके, और इसका इनपुट इम्पिडेंस जो होता है वो भी हाई होता है। दिस आर द मेन थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। और कुछ चीज़ें देखते हैं इसमें। द इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर, दैट इज इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड IA, इज ए क्लोज लूप डिवाइस विथ केयरफुली सेट गेन। OPAMP जो होता है ओपन लूप डिवाइस होता है, ये क्या है, क्लोज लूप रहेगा, इसका पाथ क्लोज रहेगा। देखते हैं हम लोग कैसे क्लोज लूप रहेगा। दिस अलाउ IA इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर टू बी ऑप्टोमाइज फॉर इट्स रोल अ सिग्नल कंडीशनर ऑफ लो लेवल सिग्नल्स इन लार्ज अमाउंट ऑफ नॉइज। चूंकि इसके गेन को हम लोग सेट कर सकते हैं, तो इसको सिग्नल कंडीशनिंग में भी प्रयोग किया जाता है, जिसमें हम लोग नॉइज को क्या करेंगे, सिग्नल को नॉइज से रिकवर भी कर सकते हैं। जो लो लेवल सिग्नल रहेगा, मेनली हम लोग DC लेवल की बात कर रहे हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू स्टेट, इसमें दो स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज जो होता है OPAMP का कॉम्बिनेशन होता है, देखते हैं हम लोग डायग्राम में इसके बाद। ऑफर्स वेरी हाई इनपुट इम्पिडेंस, जो कि वेरी हाई इनपुट इम्पिडेंस प्रोवाइड करेगा। और जो सेकंड स्टेज है वो है डिफरेंशियल एम्पलीफायर विथ नेगेटिव फीडबैक। उसको नेगेटिव फीडबैक हो, उसका आउटपुट जो होगा डिफरेंशियल एम्पलीफायर का, ओके, जिसमें नेगेटिव फीडबैक का इस्तेमाल किया जाएगा। तो लेट्स सी द इनपुट स्टेज एंड द कंप्लीट डायग्राम ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। सो लेट्स सी द इनपुट स्टेज। इनपुट स्टेज को देखते हैं हम लोग, दैट इज द इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर इनपुट स्टेज। हियर द टू OPAMPs आर यूज, OPAMP नंबर 1, OPAMP नंबर 2। टू वोल्टेज सोर्स आर V1 एंड V2। दिस इज द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, दिस इज इन्वर्टिंग, दिस इज नॉन इन्वर्टिंग, दिस इज इन्वर्टिंग। ओके, इसको तो पता ही है, पॉजिटिव इज नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड नेगेटिव इज इन्वर्टिंग टर्मिनल आप OPAMP। इन्वर्ट मतलब इन्वर्ट कर देगा, नॉन इन्वर्टिंग मतलब कोई इन्वर्ट नहीं करेगा आउटपुट में। ओके, टू रजिस्टर्स आर देयर, RR वैल्यूज एंड वन मोर रजिस्टर दैट इज कॉल्ड RG। G के साथ R के साथ G लगा हुआ है, मतलब इसका गेन के साथ कुछ संबंध है। तो देखते हैं
आर जी का क्या मतलब है, आर का क्या मतलब है, और आउटपुट हम लोग ले रहे हैं वी नॉट लास्ट से. ओके, सो लेट्स सी वन बाई वन. द इनपुट स्टेज कंसिस्ट ऑफ टू केयरफुली मैच्ड ओपेम्प. केयरफुली मैच्ड दो ओपेम्प हैं. ओके, ईच इनपुट इज अप्लाइड टू नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ इट्स ओपेम्प. जो भी दोनों इनपुट है उसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में हम लोग क्या किए हैं, अप्लाई किए. आगे देखते हैं. दिस ओपेम्प कन्फिगर्ड एज द वोल्टेज फॉलोअर. ये वोल्टेज फॉलोअर के जैसे ये जो है कन्फिगर्ड है, प्रोड्यूसेस ए इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर वेरी हाई इनपुट इम्पिडेंस, जिसके कारण ये वेरी हाई इनपुट इम्पिडेंस प्रोवाइड कर पाता है. द आउटपुट्स ऑफ द ओपेम्स आर कनेक्टेड टूगेदर थ्रू ए स्ट्रिंग ऑफ रजिस्टर. जो दोनों का आउटपुट है वो स्ट्रिंग ऑफ रजिस्टर से कनेक्टेड है. ये दोनों का आउटपुट जो है स्ट्रिंग ऑफ रजिस्टर से कनेक्टेड है. सो वेयर आर इज कॉल्ड, वेयर आर इज कनेक्टेड इंटरनली. इन लोग का इंटरनल रेजिस्टेंस है आर जो है दोनों ओपेम का. एक और दिख रहा है आर जी. सो द आर जी इज कॉल्ड गेन सेटिंग रजिस्टर दैट कैन कनेक्ट इंटरनली और एक्सटर्नली ऑल्सो. आई और ई इंटरनली या एक्सटर्नली दोनों टाइप से हम लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके हिसाब से हम लोग जिसकी सहायता से गेन को सेट करते हैं. इसके पहले हमने देखा था कि रजिस्टर की वैल्यू को, एक सिंगल रजिस्टर की वैल्यू को सेट करके हम लोग गेन को सेट कर सकते हैं. सो वी नॉट इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वन वन प्लस 2R डिवाइड बाई आर जी. इसके डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूँ मैं. दिस इज द आउटपुट वोल्टेज ऑफ दिस वन दैट इज कमिंग V2 टू माइनस वी वन वन प्लस 2R डिवाइड बाई आर जी. आगे देखते हैं इसका कंप्लीट डायग्राम देखते हैं इसका. सो लेट अस सी द डेरिवेशन ऑफ दैट V नॉट इक्वल टू V2 टू माइनस वी वन. इसका डेरिवेशन देख लीजिए. V नॉट इक्वल टू V2 टू माइनस वी वन था जो उसका आउटपुट था इनपुट स्टेज का. सो देयर कैन बी नो डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ओपेम्प. पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है. तो इसका मतलब क्या होगा, दिस मीन्स दैट वी वन इज बॉटम ऑफ आर जी. बॉटम, दिस मीन्स दैट वी वन इज बॉटम ऑफ आर जी. दैट इज नॉट बॉटम ऑफ आर जी, दैट इज टॉप अप ऑफ जी. सॉरी, वी वन इज टॉप अप आर जी एंड वी टू इज बॉटम ऑफ आर जी. ओके, वी वन इसके टॉप में, उसके मतलब आर जी के टॉप की तरफ देखूं तो वी टू आ जाएगा, और आर जी के नीचे, सॉरी आर जी के टॉप की तरफ देखूं तो वी वन आ जाएगा, और आर जी के बॉटम की तरफ देखूं तो वी टू आ जाएगा. सेम वोल्टेज हो. सो वी आर जी इक्वल टू, इसमें बहने वाली जो मींस अगर डिफरेंस करूं, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव था नेगेटिव था याद होगा, तो ये डायग्राम रिफर कर सकते हैं इनपुट स्टेज वाला. ओके, सो वी टू माइनस वी वन, वी जी इक्वल टू वी टू माइनस वी वन, एंड द करंट इज आई जी इंटू आर जी. इसमें बहने वाली करंट का मान आई जी, तो आई जी इंटू आर जी. तो यहाँ से IG इक्वल टू हो जाएगा V2 टू माइनस वी वन डिवाइड बाई आर जी. आगे बढ़ते हैं. दिस करंट मस्ट फ्लो थ्रू ऑल दी थ्री रजिस्टर. इसमें तीन रजिस्टर में ये करंट फ्लो होगा, R में और RG में. वाई, बिकॉज नन ऑफ द करंट कैन फ्लो इन टू द ओपेम्प इनपुट. ओपेम्प इनपुट में कोई करंट फ्लो नहीं हो सकता है. सो V नॉट इक्वल टू IG इंटू टोटल रजिस्टेंस कितना होगा, R प्लस R प्लस RG. सो दिस इज 2R प्लस RG. सो V नॉट इक्वल टू IG का वैल्यू पुट अप कर देंगे यहाँ से. इक्वेशन नंबर वन इसको डाल करके बोल सकते हैं कि इक्वेशन नंबर वन से IG की वैल्यू लेने पर V2 टू माइनस वी वन डिवाइड बाई आर जी इंटू टू आर प्लस आर जी. सो दैट इज V2 टू माइनस वी वन वन प्लस टू आर बाई आर जी. सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ द आउटपुट वोल्टेज V0. दिस इज द इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर फुल स्कीमेटिक डायग्राम. दिस इज द डायग्राम. सो दिस इज द इनपुट स्टेज एंड दिस इज द डिफरेंशियल ओपेम स्टेज. सो लेट्स सी द थ्योरी बिहाइंड दैट पर्टिकुलर डायग्राम. So the third opem that is the differential amplifier we are using here. So the second stage of IA is unity gain differential amplifier. जिसका गेन क्या रहेगा, यूनिटी रहेगा. थ्री टर्मिनल आर ब्राउट आउट. इसमें तीन टर्मिनल ब्राउट आउट है, ये देख रहे हैं, सेंस टर्मिनल, आउटपुट टर्मिनल, रेफरेंस टर्मिनल. सो द सेंस टर्मिनल गिव्स एंड एसेस टू द फीडबैक लूप. एक्सेस देगा फीडबैक लूप में एंटर करने के लिए. सेकेंड वन इज द रेफरेंस टर्मिनल अलाउज टू इस्टेब्लिश ग्राउंड पोटेंशियल टू ग्राउंड, ग्राउंड पोटेंशियल अप्लाई करने के लिए. एंड द आउटपुट टर्मिनल गिव्स द आउटपुट, आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए आउटपुट टर्मिनल. सो अगर मैं इसकी लास्ट के आउटपुट वाले की बात करूँ, वी नॉट की बात करूँ यहाँ पे, तो वी नॉट इक्वल टू वी टू माइनस वी वन वन प्लस टू आर डिवाइड बाई आर जी हम लोग ने प्राप्त किया था. सो इससे क्लियर है कि आर जी की वैल्यू को अगर घटाऊँ तो वी नॉट की वैल्यू बढ़ेगी, तो वी नॉट की वैल्यू बढ़ेगी मतलब गेन बढ़ेगा. तो गेन को बढ़ाने के लिए हमको आर जी की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा. सो ये था आपका इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर. सो दिस इज द डायग्राम. इनपुट स्टेज का देखिए हम लोग, इसका करेक्टरिस्टिक देखिए. आपको जो है इसमें
एक बताना है कि इसका नीड कहाँ होता है, नीड ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर, ये आप कमेंट बॉक्स में हमको बोलेंगे व्हाट इज द नीड ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। ये आपके सिलेबस का पार्ट भी है कि इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का नीड क्या है, नीड ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। सो बने रहिए तब तक के लिए चैनल के साथ, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद सभी का।